भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर सारे त्योहारों को और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और आपसी भाईचारे, प्रेम, एकता, शांति की मिसाल पेश करते हैं। इसी क्रम में गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज पटपरगंज रोड स्थित हजरत लाल शहीद शाह बाबा का 49वां रोजाना सालाना उर्स मुकद्दस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पहले दिन तकरीरी प्रोग्राम हुआ जिसमें उलमाओं व शायरों ने अपना कलाम पेश किया। यहाँ पर दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। सर्वप्रथम कार्यक्रम का आगाज कटराकुटी धाम महंत चिन्मयानंद जी महाराज जी ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चिन्मयानंद महाराज जी को उर्स कमेटी के सदस्यों ने माला पहनाकर कौमी एकता की मिसाल पेश की। दूसरे दिन जवाबी कव्वाली का शानदार प्रोग्राम हुआ। कव्वाल शरीफ परवाज कानपुर एवं आलिया इंडन दिल्ली से आए दोनों कव्वालियों ने रात भर एक से बढ़कर एक कव्वाली गाकर श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का संचालन उर्स एकता कमेटी के महासचिव साबान अली हनफी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहब्बत इब्राहिम, मोहम्मद फारूक, नबी बख्श कादरी, लालजी गुप्ता, भरत चंद्र मोदनवाल आदि उर्स एकता कमेटी के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में सोना बुआ किन्नर, डॉक्टर इकबाल अहमद, पवन सिंह प्रधान, पिंटू सिंह प्रधान, डॉक्टर हाफिज अली, इश्तियाक वकील, काजी मुनीर अहमद, अनिल सिंह, पप्पू यादव, मोहम्मद रैनी, सलीम शाह, सतपाल सिंह सचदेवा आदि लोगों की गरमामय उपस्थिति रही। प्रोग्राम में पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहा। भैया, परम सौभाग्य की बात है कि हर साल नवाबगंज की धरती पे उर्स का प्रोग्राम होता है। इस बार उर्स एकता कमेटी ने मुझे भी इस पावन अवसर पे अपने बीच, भैया यार अरे ना इसी परेशान ना हो, ये जो सम्मान दिया है निश्चित रूप से मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये काम बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस जद्दोजहाद में, पता नहीं किस संकोच में इन्होंने सबको याद किया लेकिन हमें छोड़ दिया था। वो आज पूरा हुआ और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा ये कमेटी या नवाबगंज के इस्लाम के लोग जब भी कभी याद करेंगे, किसी भी मौके पर याद करेंगे, तो कटराकुटी धाम हमेशा आपके साथ और हर तरह से। और मैं यहाँ कव्वाल और कव्वाला जो आए हैं इन सब लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहेंगे कि कहीं भी, चाहे दुनिया के जिस स्टेज में आप हो, आप क्यों अपनी कविता सुनाने या अपनी कव्वाली क्यों सुनाने जा रहे हैं, अगर उसका उद्देश्य नहीं तय है तो विश्वास कीजिए आपका जीवन व्यर्थ हो जाए। निश्चित रूप से ऐसा कोई संदेश निकलना चाहिए कि नवाबगंज की धरती पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाए। अब सजनों, एकता के मामले में नवाबगंज की धरती का कोई जवाब नहीं है, इतिहास गवाह है। आज तक कभी यहाँ के हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी कोई नफरत भरी जैसी कोई स्थिति नहीं आने पाई है। अगर किसी ने उकसाने की कोशिश भी की होगी तो विश्वास कीजिए हिंदू और मुसलमान के जो प्रमुख लोग हों आराम से एक साथ बैठ के और इस बड़े से बड़े मामले को एक बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का काम किया है। मैं दोनों पार्टियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और ये उदाहरण बनना चाहिए नवाबगंज की धरती। कमेटी के जो संरक्षक हैं, निश्चित रूप से उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग हों, अभी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, भाईजान ने भी बहुत कौमी एकता का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नवाबगंज की धरती से संदेश पूरे प्रदेश में और देश में जा रहा है कि जो एकता हिंदू और मुसलमान के बीच में इस धरती में दिखाई पड़ी, शायद पूरे प्रदेश में और देश में दुर्लभ। कुछ संदेश आप अपनी तरफ से आगे आने वाली पीढ़ी को भी देना चाहते हैं? सिर्फ ये देना चाहेंगे कि जो चीज़ यहाँ मिली नवाबगंज की धरती पे, काश ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो जाता तो अपना देश दुनिया में नंबर एक देश होता।
कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो भेद करके देश को बर्बाद करने की सोच रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा तमाचा है। मैं समझता हूँ इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं पुरुषता कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम साबा मेरी हिंदी है। यहाँ पर ये कैसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? ये हजरत लाल सिंह शाह बाबा का सालाना वर्ष होता है जो 49वां वर्ष हम लोग इस बार मना रहे हैं और ये हर वर्ष होता है। ये लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे होता चला आ रहा है? 49वां वर्ष से हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का ये जीता जागता उदाहरण है, इस बारे में दो शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। ये अमन और अमन का पैगाम देती है, अमन और शांति का पैगाम देती है। इनके अनुयायी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे होते हैं। जो भी इनके दरबार में आता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। अपने आस्था के अनुसार लोग यहाँ आते हैं और चादरें चढ़ाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं नबी बख्श कादरी कमेटी का कहने को सरपरस्त हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ और उस एकता कमेटी के ताल्लुक से सूफी संतों की खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ का जो दरगाह है ये काफ़ी वर्ष पुराना है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसका हम आपसे इतिहास जानना चाहते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बातें। ये दरगाह इतिहास की दृष्टि से बहुत अहम है और सूफी संत समाज की मजबूती, समाज की रीढ़ है। उनका कोई धर्म नहीं होता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम होता है और इसीलिए हम दरगाहों की खिदमत में जाते हैं और दरगाहों की खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सूफी संतों की धरती है, इसलिए सूफी संत समाज को मजबूत करने का काम। हिंदू मुस्लिम एकता का यह अभिप्राय बन चुका है जी। उसके अलावा सभी धर्म के लोग यहाँ पर आकर मत्था टेकते हैं, सभी धर्म के लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर। दो शब्द हम आपसे और जानना चाहते हैं। सभी धर्मों की मनोकामनाएं इसलिए पूरी होती है जो आस्था के साथ, दृढ़ आस्था के साथ जो कहीं भी पहुंचेगा और उसमें लीन होकर के पूरी तरीके से लीन होकर के अपनी आस्था को जागृत करेगा तो उसके उसका काम अवश्य ही होना है। यह काफी वर्षों से यहाँ पर प्रोग्राम चलता चला आ रहा है। आज हम आपके सामने कटरा कुटी धाम के महंत चिन्मयानंद महाराज जी ने भी फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का जीता जागता उदाहरण है। दो शब्द हम आपसे इस पर भी जानना चाहते हैं। सूफी संत का काम यही है कि समाज को जोड़े और समाज को जोड़ करके देश और समाज को एक नई दिशा दे और देश को मजबूत करे। हम दो सना अल्लाह की तरह, इसलिए कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे भगवान, कोई पुकारे तुझको अल्लाह, कोई कहे भगवान, सबसे अच्छी तो है किताबे और कुरान।
ये अली जनाब नबी बख्श।